हापुड़ में 24 करोड़ से गांवों की सड़कें होंगी चकाचक। नमस्कार, मैं हूं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करीब 24 करोड़ से जिले में 6 सड़कों का निर्माण शुरू हो गया है। विभाग की तरफ से उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास संस्थान को प्रस्ताव भेजा गया था। इन सड़कों से निर्माण से जिले के करीब 50 गांवों को लाभ मिलेगा, जबकि एक और सड़क के निर्माण को स्वीकृति मिल गई है। शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के मुख्य मार्गों के निर्माण पर सरकार का जोर है। सभी निर्माण विभागों द्वारा सड़कों के प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जिले की 6 सड़कों का निर्माण शुरू कर दिया गया है। इसमें हापुड़ ब्लॉक की 3, धोलाना की 1 और गढ़ की 2 सड़कों का निर्माण होना है। कुल 50 किलोमीटर लंबाई की सड़कें बनाई जाएंगी। इनकी चौड़ाई 3 से 3.75 मीटर बढ़ाकर इनका चौड़ीकरण भी कराया जाएगा, जबकि निर्माण में 24 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दरअसल सड़कों के निर्माण के लिए विभाग ने प्रस्ताव बनाकर शासन में UPRRDA को भेजा था। बजट पास होने के बाद इन सड़कों का निर्माण शुरू हो गया। उम्मीद है कि अगले माह के अंत तक कार्य पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि इस बीच बारिश व्यवधान पैदा कर सकती है। इन गांवों में काम हुआ शुरू। हापुड़ में पूठा हुसैनपुर कैनाल पटरी से MB रोड हाफिजपुर, बुलंदशहर हाईवे से DDG मार्ग सपनावत, गढ़मीरठ मार्ग से गंग नहर होते हुए झड़ीना मार्ग, गढ़सियाना मार्ग से सदरपुर से रजापुर मार्ग, पिलखुआ धोलाना मार्ग से देहरा वाया जादोपुर बछेड़ा खुर्द मार्ग, पिलखुआ धोलाना मार्ग से गालंद वाया हावल माधापुर व भोबापुर मार्ग। शादाब अख्तर खान अवर अभियंता ने बताया कि जिले की 6 सड़कों का निर्माण अगले महीने के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। गुणवत्ता के साथ समय से कार्य पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि लोगों को अधिक परेशानी ना हो। बहरहाल, इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें हापुड़ हलचल।